बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य बनाया है। धन्यवाद। किस मूवमेंट को लेकर 2022 में कार्य करोगे और क्या भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है? हमारी सरकार आज सर्व समाज को लेकर साथ चल रही है और कोई भी जाति कोई धर्म नहीं देख रही है। सबको सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, फ्री राशन बांटा जा रहा है, शौचालय दिए गए हैं, आवास दिए गए हैं, कोई जाति कोई धर्म नहीं देखा गया है। और 2022 में हमारी फुल बहुमत में सरकार बनने जा रही है। क्या मानते हो, क्या क्या योजनाएं आप लोगों ने दी है, लोगों तक पहुंची है? जो लोग वंचित रह गए, आखिरकार उन योजनाओं तक किस प्रकार का मैसेज देना चाहोगे आप? जी, जो लोग वंचित रह गए हैं, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग काफी तन मन धन से लगे हुए हैं। जिनके पास कुछ नहीं तो हम लोग अपने पैसे से भी उन लोगों को जाकर काम करवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, गरीबों के आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं और फ्री राशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बार कर दिया महीने के अंदर इस समय। और इस सरकार से अच्छा मैं समझता हूँ शायद 70 साल के अंदर सरकार से अच्छी कोई सरकार आई हो जिसने कोई जाति धर्म नहीं देखा है। क्या मानते हो कहाँ कहाँ सरकार आपकी यूपी के अंदर 2022 में आएगी? 2022 में यूपी में मेरा फुल बहुमत से है सरकार, 350 पार अब की बात। अच्छा, लोगों का जहन था कि झांसी नहीं, आप तो आपने खुद देखा होगा, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस साइड आए हो किले की तरफ और चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ है झांसी का, ऐसा नहीं है? ये तो आपने भी देखा होगा, चारों तरफ घूमकर आप घूमते हैं, चारों तरफ देखते हैं, चौतरफा विकास विकसित है झांसी हमारा। नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं रेडी पटरी का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे 2022 में सरकार की ओर से? 2022 में फुल बहुमत से हमारी सरकार आएगी क्योंकि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक जिन सरकारों ने काम किया है उन्होंने सिर्फ परिवारवाद काम किया है। इस सरकार में पहली बार सर्व समाज, हर समाज के लोगों को और हर बिरादरी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को साथ दिया है इस सरकार ने। तो मेरा मानना है कि इस बार इस सरकार को फुल बहुमत से जीत हासिल होगी जो कि पिछली बार भी हुई थी।